आजकल जहां ज्यादातर लोग अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग अपने कम वजन से परेशान हैं। क्योंकि दोस्तों वजन को बढ़ाना भी आसान काम नहीं है। अक्सर ही हम सुनते हैं कि ज्यादा कैलोरी खाओ और इससे वजन आसानी से बढ़ सकता है, और यह बातें सुनकर बहुत से लोग वजन को बढ़ाने के लिए ज्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि उनका वजन तो बढ़ ही नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों वजन को बढ़ाने के लिए सिर्फ हाई कैलोरी डाइट ही जरूरी नहीं है, आपका डाइजेशन भी मजबूत होना उतना ही जरूरी है। अगर आपका डाइजेशन मजबूत नहीं है तो चाहे आप कितना भी क्यों ना खाएं, आपका शरीर नहीं मोटा होगा। तो वजन के ना बढ़ने के पीछे इसके साथ साथ और भी कई कारण होते हैं, जैसे कि हाई फूड मेटाबॉलिज्म, लो फूड एब्जॉर्प्शन, इररेगुलर बॉवल मूवमेंट्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपने वजन को आसानी से बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप अपने कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानव हर्बल्स के सेहत सुधा हर्बल पाउडर की, जिसकी मदद से आप अपने वजन को आयुर्वेदिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब वजन बढ़ाने की बात आती है तो कुछ लोग जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वजन तो बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ बॉडी में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे कि जंक फूड खाने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे दिल की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसी तरह से ही और कई बीमारियां आपके गलत खान पान की वजह से पैदा होती हैं। तो अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हमारे वजन के ना बढ़ने के पीछे क्या कारण है और किस तरह से सेहत सुधा की मदद से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। आपने कई सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन फिर भी मैं दुबला पतला हूँ। दरअसल दोस्तों इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। जब हमारा मेटाबॉलिज्म इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारा खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता। मेटाबॉलिज्म क्या करता है, जो भी चीज हम खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म रेट फास्ट हो जाता है तो हमारा खाना जल्दी से पचने लगता है और उसके पौष्टिक तत्व हमें अच्छी तरह से नहीं मिल पाते, जिस कारण से हाई कैलोरी डाइट लेने से वजन भी नहीं बढ़ता। वजन ना बढ़ने के पीछे का जो अगला कारण है वो है लो फूड एब्जॉर्प्शन। दोस्तों आजकल जो हम चीजें खा रहे हैं इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, हमें पेट संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं, हमारी बॉडी खाने के न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, खाने का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को अच्छी तरह से मिल नहीं पाता, जिस कारण से हमें लगता है कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन फिर भी दुबले पतले हैं। इसका कारण यही है कि आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। अगला जो एक बहुत बड़ा कारण है वजन ना बढ़ने का वो है आपके इररेगुलर बॉवल मूवमेंट्स। अगर हमारी बॉवल मूवमेंट सही नहीं है तो इससे हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। अगर हमारा बॉवल मूवमेंट्स बहुत फास्ट होता है तो इससे हमारी बॉडी अच्छी तरह से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, और अगर यह लो होता है तो ऐसे में हमारी बॉडी एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बॉवल मूवमेंट्स का बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि कौन से ऐसे कारण है जिस कारण से आपका वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर वजन को बढ़ाना है तो खाना ज्यादा खाने के साथ साथ आपको अपने डाइजेशन को भी ठीक करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि जंक फूड खाने से उनका वजन बढ़ सकता है, लेकिन इससे वजन नहीं बढ़ता बल्कि बीमारियां बढ़ जाती हैं। जो हम बाजार की बनी हुई चीजें जैसे कि बर्गर, पिज्जा, नूडल खाते हैं तो इससे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इन चीजों को खाने से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग वजन को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से थायराइड, डायबिटीज ऐसी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि वजन को बढ़ाने के लिए जंक फूड, स्टेरॉइड, इंजेक्शंस का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और आपका वजन आसानी से बढ़ सकता है। अगर आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, दालें, फल जैसे कि केला, आम, दलिया, चने, मूंगफली, इन सभी चीजों को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि वजन को बढ़ाने में काफी फायदेमंद साबित होती है। और अगर आप नॉन वेज खा सकते हैं तो आपको चिकन, फिश और अंडा जरूर खाना चाहिए, इससे भी आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आइए अब जानते हैं मानव हर्बल्स के सेहत सुधा हर्बल पाउडर की मदद से वजन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों सेहत सुधा की सबसे अच्छी बात है कि यह एक हर्बल पाउडर है, इसे 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है, सेहत सुधा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस हर्बल पाउडर को बनाने के लिए अश्वगंधा, सिंगाड़ा, सफेद मूसली, शतावरी, काली मूसली, काला तिल, अमलकी, हरितिका, भवितकी, सौंफ, विदारी कंद, इन सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। अश्वगंधा जो कि हमारे वजन को बढ़ाने के साथ साथ हमारी हाइट को बढ़ाने में भी फायदेमंद होता है, यह थायराइड जैसी खतरनाक बीमारी में बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
इसमें सिंघाड़ा डाला गया है। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। यह हमारे शरीर को एनर्जी देता है, साथ ही साथ यह सांस संबंधी रोगों में भी हमें फायदा पहुंचाता है। इसमें डाली गई सफेद मूसली हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है, जिससे कि हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ पाती है और हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसके साथ ही साथ यह डायबिटीज, थायराइड जैसे गंभीर रोगों में भी हमें फायदा देती है। इसमें डाली गई शतावरी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। पेट से जुड़ी हुई कई समस्याएं शतावरी के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो सकती है। हर रोज सेहत सुधा का इस्तेमाल करने से फूड मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, फूड एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ती है, बॉवल मूवमेंट्स रेगुलेट होती हैं, जिससे खाया हुआ खाना हमारी बॉडी को लगने लगता है और धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है। फिर आप जो भी खाएंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने के अंदर का न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको 50 ml पानी एक कप में लेना है और एक चम्मच इस पाउडर का उस पानी में डालकर अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो पानी की जगह गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। अब इसमें आप स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं और इसको मिक्स करने के बाद आपको सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका सेवन करना है। अगर आप इस तरह से इसे लेना शुरू कर देते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बैलेंस होने लगेगा और यह आपके मेटाबॉलिज्म रेट को स्लो कर देगा, आपकी बॉडी के फूड एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिससे आपकी बॉडी को अच्छी तरह से पौष्टिक तत्व मिल पाएंगे। इस पाउडर को मेल्स और फीमेल्स दोनों ले सकते हैं। प्रेगनेंसी में इस प्रोडक्ट को लेना रिकमेंडेड नहीं है। सेहत सुधा को बाय करने के लिए आप मानव हर्बल्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.manavherbals.com से ऑनलाइन बाय कर सकते हैं और स्क्रीन पर शो हो रहे इस नंबर 9999148872 पर कॉन्टेक्ट करके भी मंगवा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, प्रोडक्ट का बाय लिंक और कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर्स हम डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट करें और अपने लिए इस प्रोडक्ट को मंगवा लें। दोस्तों, सेहत सुधा के इस्तेमाल के साथ साथ आपको वर्कआउट और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहने की जरूरत होगी, क्योंकि वर्कआउट करने से मसल्स बिल्डिंग में बहुत मदद मिलती है और वेट गेन बहुत जल्दी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको सेहत सुधा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी इससे फायदा हो। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसी ही वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।